अभी वो कुत्ता हमें रास्ता दिखाते हुए आया इधर से उधर पूरा। कार में डीजल नहीं है। और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज कुछ करने को है नहीं, और यहाँ पे देसी हुक्का है। इसे देख के मेरे को आइडिया आया कि व्लॉग बना लेते हैं। डेली व्लॉग का वादा किया था, तो आज हम फाइनल एपिसोड बना लेते हैं। ले जाने के लिए ये मेरी दादी जी है जो यहाँ पे मिली है, इनका घर ये रहा। और कंटेंट है नहीं आज के दिन, ले जाओ। ये है देसी हुक्का भाई, यहाँ से गुड़ गुड़ आवाज आती है। लेकिन अपने दिल्ली में भी मिल जाता है ये, कोई कोई पीता है, कोई कोई नहीं पीता है। वैसे तो इलेक्ट्रिक वाली चल रही है, और हम जैसे बच्चों को नहीं पीना चाहिए क्योंकि बीमारी हो जाएगी भाई। रोहन बोल रहा आज कुछ है नहीं करने को, जो पिछली वाली वीडियो थी ना, ये वीडियो अपलोड होगी जब मैं दिल्ली पहुंचा, मतलब दिल्ली में हूँ, मैं समझ लो कि मैं दिल्ली में ही हूँ, दिल्ली में रह के अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि ये सारी वीडियो अब जा रही है सीधा 6-6 GB की वीडियो बनती जा रही है, सारी क्वालिटी इतनी हाई दे रहा हूँ। और ये दोनों बैठे हुए हैं, और काफ़ी लोग भी कह रहे थे कि भाई व्लॉग बना लें। इस कैमरे में वीडियो तो अच्छा बन जाता है, लेकिन ना फोटो अच्छी नहीं आती, पता नहीं क्यों। वो लड़की ऊपर से कुछ दे रही है, तो मैं वो जो हमारे फूफा जी है कैप में, एक बार दिखा देता हूँ जूम करके। ये वाले, ये ऑस्ट्रेलिया से आए भाई, ऑस्ट्रेलिया से आए और वहाँ पे काम करते हैं। अभी उन्होंने एक हफ्ते बोला था, अभी इनका चेहरा देखा करो। अभी ये चेहरा दिखाएंगे बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह। सही में तू बोल भी रहा है। ये है हमारे फूफा जी, अभी वो चाचू का है वहाँ पे, चाचू का है अंदर बैठे, वो वाले नहीं। ये मेरे चाचू, ये आए कर दो। और मुझे नहीं पता इसमें कितना व्यूज आएगा। ये हमारा आज फाइनल एपिसोड मिलने वाला है, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रह के इसे अपलोड करने वाला हूँ। जब मैं दिल्ली में रहूँगा ना, तभी अपलोड हो पाएगा। और ये अभी देख रहे हैं मीम्स, सब मीम देख रहे हैं। और ये लड़का मेरे को तंग कर रहा है, और ये भी। तो गाइस अभी सब खाना खा रहे हैं, तो ये क्या खा रहा भाई, तू बता अरमान, तू बता क्या खा रहा है। दाल मखनी। ये दाल मखनी खा रहा है, इसमें टेस्ट ऐसा ही होगा कि नमक कम है। क्या चीज कम लग रही है तुझे इसमें? ये जो पनीर की सब्जी है ना, इसमें नमक इतना कम है, खाना इतना अच्छा नहीं है। पता नहीं कौन सा हलवाई मैंने बनाया, अच्छा नहीं है। दाल कुछ इस तरीके का ट्रांजिशन कर दो। कहाँ जा रहे हैं हम? मेरे को भी नहीं पता। ये गद्दे देने जा रहे हैं हम। ये तो कंबल है, गद्दे भी है। अच्छा, गद्दे ऊपर है, गद्दे ऊपर है, और वहाँ टेंट सारे मीटिंग कर रहे हैं। चलो पहुँचते हैं। 1 2 3 फिलहाल आए थे हम गद्दा और कंबल देने यहाँ पे, देख लो आप भी आ सकते हो। नाम है गजल कैटरीज, और यहाँ पे LED फ्लोर सब मिलता है रेंट पे। तो हम 10 गद्दे 10 कंबल रेंट के लिए थे, तो अभी पापा जी गाड़ी मोड़ रहे हैं। तो आगे अपनी गाड़ी, ये अपनी मर्सिडीज जा रही है भाई, ये इतनी महंगी है ना कि आप भी अप्रोच कर लोगे। तो चलते हैं और सिनेमेटिक शॉट्स लेते हैं। अभी फ़िलहाल हमने गाड़ी को चार्जिंग पे लगा दिया, ये देखो। और फ़ोन की भी बैटरी कम होती जा रही है, वहाँ पे है रेल लाइन। कुत्ता कहाँ से भूख रहा है? ऊपर से कुत्ता भूख रहा है, बोरा। और जब मैं दिल्ली से आता हूँ ना, तो इसी सामने वाले रूट से आता हूँ भाई, देख लो। जब मैं गेट पे वीडियो बना रहा था तो इधर ही का था वो, यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन ही है। तो गाड़ी चार्ज हो रही है, फिर घर चलते हैं। सो गाइज, मैं घर पे जैसे ही आया तो मुझे भेजा गया
मुझे नहीं, हम दोनों को भेजा गया था फ्रूट ही लाने पर, इधर रोहन भी आ चुका है साथ में, इससे पहले क्लिप लिया था वो डिलीट करना पड़ा। इतनी बात है आपको, कोई यूट्यूबर ज़्यादा नहीं बताएगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट नहीं, वैसे बहुत ब्लॉग डाल चुका हूँ। यार तुम लोग ही बताओ मैं कैसे वीडियोज़ डालूँ, ब्लॉग से हट के कुछ करना चाहता हूँ, कीचड़ के रास्ते में होते हुए और यहाँ पे कुछ खूबसूरत कन्या है, खूबसूरत कन्याएं को देख के आगे बढ़ते हुए और एक बटन क्लिक होते ही वीडियो बंद। चल रहे हैं आगे, चलते हैं और जैसे ही फ्रूटी लेते फिर आपसे मिलते हैं। जैसे आ रहे हैं, जो पिछला वाला गली था ना, उन्होंने बोला यहाँ पे कीचड़ हो रहा था तो मैं सूखी वाली गली से चले जाओ, ये मिल रहा है उससे, कह तो रहे हैं लेकिन बहुत लंबा गली नहीं लग रहा ये मिलेगी भाई, बारिश भी होने लग रही है भाई, मेरे को भी नहीं पता। सो गाइस हमें गली मिल चुकी है, अब वरना हम खो जाते मगर गली नहीं मिलती, बारिश भी होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे एक भैंस दिख रहा है आपको, अभी वो कुत्ता हमें रास्ता दिखाते हुए आया इधर से उधर पूरा, और कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे आपको फ्रूटी मतलब फैमिली में, समझ रहे हो क्या, मैं पीने को मिल जाए आपको गारंटी। हाँ आप सभी को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे ना कोरिया की तरह रीति रिवाज है, आप किसी भी लड़की या लड़के का बिना परमिशन फोटो या वीडियो नहीं ले सकते। लड़के का तो खैर चल जाएगा लेकिन लड़की का नहीं, अगर तुम फोटो लोगे तो स्टोरी भी नहीं लगा सकते, पोस्ट भी नहीं कर सकते और यूट्यूब पे भी अपलोड नहीं कर सकते। परमिशन लेने के बाद ही आप अपलोड करो, है ना। तो यहाँ पे ऐसा सीन है कि घर वाले भी मना कर देते कि लड़की के साथ फोटो लो, मतलब इतना उल्टा नहीं सोचना चाहिए किसी को कि यार कि कुछ उल्टा तुम क्यों सोच रहे हो, हम ऐसे नहीं है दिल्ली वाले, जो भी दिल्ली में आया सब खुले दिल के, सब मस्त फोटो वगैरह लेते हैं, सब मस्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग ही है, यहाँ पे सब लड़कियों से तुम बात करो तो उल्टा सोचे। अब मैं कहाँ 15 साल का, लोग उल्टा क्यों सोचते यार, एक ब्लॉगर से उल्टा सोचना, कुछ छोड़ना कर रहा हूँ फोटो वीडियो के साथ। चलो घर चलते हैं। इतना पैसा आ गया तुम्हारे भाई पे, इतना पैसा आ गया, यूट्यूब से तो नहीं आया पर ट्रेडिंग कर करके आया है, ना कोई स्पॉन्सर ना कोई कुछ है, ये है सिर्फ असली, आप लोग गेस करो कि असली पैसा है कि नकली, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दी है स्टोरी, अगर आप लोग ने फॉलो नहीं किया जाके फॉलो करो rehmanali.com। इतना पैसा है, रुको रिकॉर्ड करो, मेरे को दे, मेरे हाथ पे दे। इतना पैसा हुआ तुम्हारा भाई पे, इसको दिख रहा है, इसको इस छोरे को इसके मुंह पे फेंक के मार दूंगा, इतना पैसा ही है। नकली नोट ले रहा है, अभी नहीं फेंकेंगे क्योंकि ये बिखर जाएगा, फिर इन जैसे गरीब लूट लेंगे, तो हमारे भाई को दे देते हैं। ले भैया, तो हमने कर दिया है 1,00,000 रुपए करीबन गिव अवे। हेलो गाइस, जैसे कि हमने देखा कि रहमान भाई के पास इतना पैसा है, तो उनको लाइक सब्सक्राइब एंड तू कुछ बोलना, रुक जा, तू कुछ बोलना चाहेगा, ये जो लड़का है नो रिएक्शन, इतना पैसा है ना, ये नकली पैसा, नकली है भाई, तू नकली है, तू इंसान नकली है, पर ये नोट नकली नहीं है। हेलो गाइस, मैं ये जो पीछे आपको दिख रहे हैं ना, ये रोटी बना रहे हैं क्योंकि नीचे मेहमान आए हुए हैं, ठीक है, तो अभी वीडियो को बंद करते हैं। सो गाइस, अभी हमने जो है सामान लोड कर दिया है और यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, वो देख क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो देख कहाँ पे, देख दो मिनट, वो देख आवाज आ रही है, तो क्या हो गया। अभी फिलहाल हमने सामान लोड कर दिया है सारा भाई, बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत सारा सामान लोड करा है मैंने भी इनके साथ, पता नहीं मैं इनको दिखा था कि नहीं, पर मैंने भी सामान लोड करवाया। तो फिलहाल अभी वीडियो को हम एंड करते हैं, ये था फाइनल एपिसोड आपसे भी, और अब हम पीने जा रहे हैं हम दोनों भाई ठंडा कोका कोला, कोई स्पॉन्सर नहीं है। और वीडियो कैसी लगी बता देना कमेंट पे, और पिछला इससे पहले जो वीडियो आएगा ना वो काफ़ी लंबा था, वो टाइम भी लगा 2 दिन का, लेकिन आज हम ब्लॉग इसलिए जल्दी एंड कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास इतना कुछ है नहीं दिखाने को, इतना कुछ कर नहीं सकते, ऊपर से कोई भी मुझे देख रहा है और लाइट है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट से जरूर बता देना, और इन्होंने जैसे कि कहा सपोर्ट करना है, लाइक करना है, तो शेयर करना लोगों तक ताकि yes! देख सकें, और लाइक करना होता है क्योंकि बीज बढ़नी चाहिए ना भाई, तो लाइक। हाँ जी, जैसे कि रहमान भैया अपने जो बड़े बड़े इनसे भी बड़े बड़े व्लॉग हैं, व्लॉग बनाते हैं रहमान भैया, उनसे वो भी इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि उनके सब्सक्राइबर ने शेयर किया था। आप कितने भी बंदे हो, 6 बंदे भी हो ना, बस आपने क्या करना है, शेयर का बटन ही तो दबाना, लाइक का बटन कर देना, और
वीडियो कैसी लगी बता देना, ज्यादा गुस्सा नहीं दिखा दिया, जैसे कि रहमान भैया और भी बड़े बड़े व्लॉगों को देख के वो भी एक ना एक दिन उन जैसे बनेंगे। आप इनको सपोर्ट वगैरह सब कुछ करना, और अपना अली भाई भी जा रहा है, तो फिलहाल वीडियो एंड करते हैं, बाय। Rotan, 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 Rotan